My dear students, today in video one, I want to revise how will you count the number of relations and number of functions. Number of relations and number of functions by counting. So it is very, very important to know the definitions of relation and function. के संख्या को गिनना चाहता हूं पता आप अवश्य रिलेशन और फंक्शन के डिप्रेशन को जाने ताकि आप रिलेशन और फंक्शन को गिन सके टुडे आई वांट टू स्टार्ट माय लेक्चर फ्रॉम ए प्रॉब्लम व्हिच इज इन दी सीबीएसई सैंपल पेपर 2002 टू 2021 व्हाट इज प्रॉब्लम मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन ए सेट ए हुज कार्डिनल नंबर ए इक्वल टू थ्री वट डज दिस प्रॉब्लम स्टेट क्या कहता यह सवाल ये सवाल कहता है कि सेट ए में तीन एलिमेंट है देर आर थ्री एलिमेंट वन टू थ्री देर फोर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू थ्री नाउ विक कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए टू ए दिस इज नोन एज बाइनरी रिलेशन इफ यू टेक कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए देन इट इज नोन एज ए बाइनरी रिलेशन सो हियर वी टेक कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए देन ए कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर सो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू यू नो टू एन स्क्वायर

now i want to count reflexive relation what is reflexive relation so my dear student how will you solve this problem here in your book it is written that only 2 to the power 6 how it happened try to understand the concept how will you count number of reflexive relation this is number of relation now we have to count reflexive relation it is given in this problem now we have this 2 to the power n is total number of relation total number of relation from a to a now we want to count number of reflexive relation problem is a is a set having 3 elements 1, 2, 3 तो कार्टिनल नंबर ऑफेज कल टू थ्री नाव यू वॉन्ट टू मेक ए टेबल एंड वी टेक दिजन प्रोडक्ट फ्रॉम वन टू थ्री एंड वन टू थ्री सेटे वी हैव वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री 1 1 2 2 3 3 are the elements of diagonal are the elements of diagonal now i want to take here the rule of counting and i want to recall the definition of reflexive relation let a be a non-empty set then a relation r on a set a is called reflexive relation if ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए दैट इज इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स ए देन दिस रिलेशन इज नॉन एज रिफ्लेक्सिप रिलेशन वाट डू ऑब्जर्व हेयर हेयर इन ए सेट देर आर एलिमेंट देर आर थ्री एलिमेंट्स वन टू थ्री सो नाओ वन वन टू टू थ्री थ्री विच लाई ऑन द डायगनल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कहाँ लाई करता है डायगुनल तो वन वन टू टू थ्री थ्री तो मैंडेटरी है ये रहेगा ही किस में रिलेशन में वन वन टू टू थ्री थ्री रिलेशन में रहेगा इसको एक ढंग से काउंट करेंगे वन वन टू टू थ्री थ्री लेकिन अब कितना एलिमेंट रहेगा इस टेबल में सिक्स एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब वन टू टू थ्री थ्री मैंडेट्री ये तो रहना ही है लेकिन वन टू भी रहे तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा turkey, तो वन टू rat तो रहे नहीं रहे वन टू इज प्रजेंट और नॉट प्रजेंट वन थ्री रहे या नहीं रहे तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा टू वन रहे या नहीं रहे तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा टू थ्री रहे या नहीं रहे तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा थ्री वन रहे या नहीं रहे तो भी रिफ्लैशन रिफ्लेक्सिव होगा थ्री टू रहे या नहीं रहे तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा प्रिय विद्यार्थियों रहना नहीं रहना की घटना दो ढंग से काउंट होगा तो प्रत्येक एंट्री को हम कितने ढंग से काउंट कर सकते हैं रहना नहीं रहना प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट दो ढंग से काउंट हुआ ये प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट दो ढंग से काउंट हुआ ये प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट दो ढंग से काउंट हुआ ये प्रजेंट नॉट प्रजेंट दो ढंग से काउंट हुआ ये प्रजेंट नॉट प्रजेंट दो ढंग से काउंट हुआ ये प्रजेंट नॉट प्रजेंट दो ढंग से काउंट हुआ तो कितना एलिमेंट दो ढंग से काउंट हुआ सिक्स एलिमेंट यानी पावर ऑफ टू इज रेस्ड बाय सिक्स सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल भी टू टू पावर सिक्स हाउ इट हैपेंड हियर वी अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन रूल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रेशन इज वन इंटू टू टू द पावर सिक्स वन वन टू टू थ्री थ्री मैंडेट्री है तो इसको काउंट करने का तरीका एक हुआ वन वन टू टू थ्री थ्री काउंट करने का तरीका एक और वन टू रहे तो भी रिफ्लेक्सिव होगा नहीं रहे तो भी रिफ्लेक्सिव होगा तो इसको काउंट करने का तरीका वन टू टू वन वन थ्री टू थ्री देर आर सिक्स एलिमेंट जिसको मैंडेटरी रहना नहीं है So, हर एक को हम दो ढंग से काउंट करेंगे टू टू पावर सिक्स सो द आंसर विल बी टू टू द पावर सिक्स नो आई वॉन्ट टू मेक इट जनरल इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू एन देन नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज एन इफ कार्डिनल नंबर ऑफ इज थ्री देन नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज थ्री सो नो नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज एन स्क्वायर माइनस एन बिकॉज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर इन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए कार्टिजन प्रोडक्ट विथ ए एन स्क्वायर सो ना नन डायगोनल एलिमेंगनल एलिमेंट्स इज एन सो नंबर ऑफ नन डायगोनल एलिमेंट्स इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एन स्क्वायर एन वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल दट इज एन स्क्वायर माइनस एन नंबर आर द नन डायगोनल एलिमेंट्स take here 3 square minus 3 that is 9 square minus 3 that is 6 you can observe that there are 6 non diagonal elements so number of reflexive relation is 2 to the power n square minus n here number of non diagonal elements is n square minus n so number of reflexive relation will be 1 into 2 to the power n square minus n that is 2 to the power n square minus n दैट इज टू टू द पावर एन इज थ्री थ्री स्क्वायर माइनस थ्री दैट इज टू टू द पावर सिक्स प्रिय विद्यार्थियों किताब में खास करके सी बी एस ई की किताब में इन कंसेप्ट की चर्चा नहीं है केवल कुछ सैंपल पेपर में द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज टू टू द सिक्स डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है सो so, प्रिय विद्यार्थियों मैं जो आपसे बार बार ये आपको सलाह देता हूँ आप रट्टा मत मारो रटो नहीं आप कंसेप्ट को जानो जनरल फॉर्म को जानो तो जनरल क्या हुआ यदि किसी सेट में एन एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज टू टू तो द पावर एन स्क्वायर माइनस एन यहाँ सेट में कितना एलिमेंट है थ्री एलिमेंट्स है तो कितना हुआ टू इंटू थ्री स्क्वायर माइनस थ्री दैट इज टू टू द पावर सिक्स कैसे टू द पावर सिक्स हुआ इसकी व्याख्या मैंने अभी किया आप इस वीडियो को बार बार देखो बार बार मेरी आवाज़ को सुनो पॉज करो रोको सुनो चिंतन मनन करो तभी इस सवाल को बना सकोगे क्योंकि सी बी एस ई सैम्पल पेपर में ये सवाल दिया गया है वो इशारा कर रहा है कि नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तुम जानो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन तुम जानो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन तुम जानो ये सब चीज़ तुम जानो तभी तुम सवाल बना सकोगे इसलिए विद्यार्थियों मैंने इस बात की जानकारी आपको दिया आशा है आप जरूर फॉलो किए हमें नौ नंबर ऑफ हॉल यू काउंट द नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव इन दिस केस ए इज नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए ए इज नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू सी दिल one two three, one two three, एंड दिन डायगोनल एलिमेंट आर one one two two three three, ये कह रहा है ये नहीं रहना चाहिए ए इज नॉट रिलेटेड टू ए तो रहना क्या चाहिए रहना चाहिए वन टू वन थ्री टू वन टू थ्री थ्री वन थ्री टू यही रहना चाहिए तो ये कितना एलिमेंट है सिक्स एलिमेंट है कितना एलिमेंट है सिक्स एलिमेंट है तो ये वन टू रहे और फिर वन थ्री रहे टू वन रहे टू थ्री रहे वन टू रहे ए रिलेटेड ए इज नॉट रिलेटेड टू ए ऐसा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट प्रेजेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड प्रेजेंट सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ नॉट इज टू टू दावर एन स्क्वायर माइनस एन ये सब एलिमेंट रहे ये मैंडेटरी नहीं है कि वन टू रहे ही वन टू नहीं भी रहे तब क्या हुआ UH, कितना ढंग से इसको गिन सकते हैं रहे नहीं रहे नहीं रहे नहीं रहे नहीं रहे नहीं रहे रहे नहीं रहे ये तो नहीं ही रहे तब नंबर ऑफ नॉट रिलेशन इज टू टू दावर एन स्क्वायर माइनस एन दट इज टू टू दावर सिक्स सो माई डियर स्टूडेंट नो आइडेंटिटी रिलेशन रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड ओनली टू इट्स सेल्फ केवल सेट में वही एलिमेंट रहे जो क्या हो ए से ए रिलेटेड हो यानी वन रिलेटेड वन टू रिलेटेड टू टू थ्री रिलेटेड टू टू ये मैंडेटरी है वन रिलेटेड टू टू नहीं रहे वो रहे ही नहीं तब कितना आइडेंटिटी रिलेशन है तो कितना सेट हो कितना हो एलिमेंट हो सेट में एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन वन वन टू टू थ्री थ्री इसको हम एक ही ढंग से काउंट करेंगे सो नंबर ऑफ आईडेंटि रिलेशन इज वन ये दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज वन कितना हुए एलिमेंट रहे दो रहे तीन रहे चार रहे पाँच रहे छह रहे, रहे एन रहे तो so नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज वन प्रिय विद्यार्थियों ये सवाल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप इन सवालों को अवश्य पढ़िए इन गिनती को अवश्य जानिए तभी आप अच्छा कर सकेंगे सेमेट्रिक लेसन नौ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सेमेट्रिक लेसन इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स ए दैट इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लायज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए सी दिस टेबल वन टू थ्री वन टू थ्री नाउ व्हाट डू ऑब्जर्व रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वन वन रहे तो भी रिफ्लेक्सिव तो भी सिमेट्रिक होगा वन वन नहीं रहे तो भी सिमेट्रिक होगा टू टू रहे तो भी सिमेट्रिक होगा टू टू नहीं रहे तो भी सिमेट्रिक रहा थ्री थ्री रहे तो भी सिमेट्रिक होगा और थ्री थ्री नहीं रहे तो भी सिमेट्रिक रहेगा तो डायगोनल एलिमेंट्स का बेस क्या हो गया टू रहे नहीं रहे ध्यान दो रहे नहीं रहे रहे नहीं रहे रहे नहीं रहे, नहीं रहे. तो कितना एलिमेंट हुआ इस तरह टू 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 दावर क्यूब ये तो हो गया टू टू दावर क्यूब डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पेपर किस में रहेगा पेयर में रहेगा तो वन टू है तो टू वन रहना होगा वन थ्री है तो थ्री वन रहना होगा टू थ्री है तो थ्री टू रहना होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बकिया कितना हुआ कितना हुआ पेयर में थ्री कितना हुआ पेयर में थ्री चूंकि सिमेट्रिक के लिए क्या वन टू है तो टू वन रहना है mandatory. तो एलिमेंट कितना हुआ थ्री, पेयर में है तो टू टू पावर क्यूब टू टू पावर क्यूब वन टू है तो टू वन है तो ये टू दी पावर क्यूब ये रहे नहीं रहे तो भी सिमेट्रिक होगा वन टू है तो टू वन रहना होगा वन टू है तो टू वन रहना होगा ये पेयर में रहना होगा तो भी सिमेट्रिक होगा इसलिए टू टू दावर सिक्स बाय टू दैट इज टू क्यूब सो नन डायगोनल एलिमेंट शुड बी इन पेयर प्रजेंट नॉट प्रजेंट प्रजेंट नॉट प्रजेंट इसीलिए उसका बेस टू हो गया नो, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज टू टू दावर क्यूब टू टू दावर सिक्स बाय टू इट कैन बी रीअरेंजेड टू टू दावर क्यूब थ्री स्क्वायर माइनस थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई टू टू क्यूब टू क्यूब आ गया विद्यार्थियों इस तरह नंबर ऑफ सेमेट्रिक रिलेशन नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन को मैंने यहाँ पर आपके सामने में डिस्कस किया आशा है आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा और इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर्टिकुलर बनाइएगा ताकि आपको परीक्षा में कोई कठिनाई आए हो थैंक यू थैंक यू वेरी